Good morning students, welcome to your GK class. Today we are going to start our fourth chapter, that is In Honor of Tribes. Now what a tribe is? A tribe is a group or community of people that has been living in a particular place for a long period of time. It developed its own tradition, custom, lifestyle and language or dialect. The hundreds of tribes in India have greatly enriched our culture. Sadly, many of them still remain disadvantaged and poor. Let us recognize and honor them through these pages. So what are tribes? Tribes एक group of people होता है या community होती है, लोग एक साथ रहते हैं जिनका culture, उनके language, उनके custom, उनके tradition, उनका चाल चलन सारा same होता है. Now let's come to the question answer. Identify the tribes by choosing the correct names from the box. हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें इनमें से सिलेक्ट करके ट्राइब का नाम भरना है एंड द डिटेल्स ऑफ ट्राइब्स आर गिवन इन पॉइंट्स. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट वन. दे मेनली इनहैबिट झारखंड. ये झारखंड में रहते हैं मेनली. दे हैव देयर ओन रिलीजन सारना. दे वर्शिप सिंह बोंगा सन गॉड. देयर डाइट कंप्राइज फ्रॉग, snakes, rats, earthworm, shells and snails. So they have their own religion. उनका खुद का एक religion है जो जिसका नाम है सारना और वो sun god को worship करते हैं. उनकी diet में क्या क्या आते हैं? Frogs, snakes, rats. So the name of the tribe is Mundas. You can see MUNDAS. The first answer is Mundas. Now come to the second one. There are only about 250 of them. They live on North Sentinel Island between India and Thailand. So इस tribe में total कितने लोग हैं? 250. और ये कहाँ रहते हैं? Thailand और India के बीच में एक island पे, Sentinel Island. They greet visitor with hostility, a shower of arrows. So a little is known about them. सो ये लोग बाकियों से ज़्यादा इंट्रैक्ट होना नहीं चाहते, इसलिए जब भी कोई वहाँ विज़िट करता है तो उस पे उन पर एरोज मतलब तीर चलाते हैं ये ताकि उन्हें भगा सके. सो इसलिए उन लोगों के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है. दे आर एबल टू सर्वाइव नेचुरल डिज़ास्टर्स बेटर दैन पीपल हु लिव इन मोर डेवलप्ड एनवायरमेंट्स. दे सर्वाइव द डिसम्बर 2004 सुनामी डिस्पाइट लिविंग ऑन द कोस्ट. इनका सर्वाइवल स्किल नहीं है, मतलब बच निकलने की स्किल बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इन्होंने 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें भी ये अपने आप को बचा लिया था एक आइलैंड में रहते हुए भी, जहाँ जबकि काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलप्ड लोग उससे नहीं बच पाए थे. सो द आंसर ऑफ द सेकेंड वन इज सेंटिनलीज. यू कैन सी हियर सेंटिनलीज फ्रॉम द सेंटिनल आइलैंड. Now come to the third one. They inhabit the Strait Island. ये कहाँ रहते हैं? Strait Island में. From 10,000 about 200 years ago, they down to about 50 in number now. 200 साल पहले इनकी कितनी थी संख्या? 10,000 लोग. और 2,000 साल बाद अब इनकी संख्या बची है सिर्फ 50. अब ये सिर्फ 50 ही बचे हैं. They paint their bodies. वो अपनी बॉडी पेंट करके रखते हैं. दीज प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट, डायरेक्ट सनलाइट एंड कोल्ड. तो ये जो पेंट करते हैं बॉडी को किसी नेचुरल थिंग से, तो वो उन्हें इंसेक्ट से बचाती है, सनलाइट से और ठंड से. दे लाइक वियरिंग ह्यूमन बोन्स अराउंड देयर नेक एंड फोरहेड. ये अपने गले के आसपास और सर के ऊपर फोरहेड पे माथे पे ह्यूमन बोन्स हड्डियों से बनी कुछ चीज़ें पहनते हैं. और इनका नाम है, थर्ड वन इज ग्रेट अंडमानीज. द थर्ड वन इज ग्रेट अंडमानीज. यू कैन सी अबव देयर. सो आफ्टर दैट आई विल जस्ट डिक्टेट द नेम. यू कैन सी फ्रॉम द अबव व्हाट आर देयर स्पेलिंग्स इफ यू वांट टू. कम टू द फोर्थ वन. दे इनहेबिट द नलमलाई हिल्स विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ द नागार्जुन सागर श्री सेलाम टाइगर रिजर्व इन आंध्र प्रदेश. सो ये कहाँ पे रहते हैं? आंध्र प्रदेश में रहते हैं. कहाँ? नलमलाई हिल्स के पास. यू कैन सी दिस पीपल्स
They are independent and enjoy personal freedom. Each one is free to choose his or her own partner. ये काफ़ी फ्रीली रहते हैं, इनके ज़्यादा रूल्स नहीं है और ये अपने पार्टनर सिलेक्ट कर सकते हैं, इनके पास फ्रीडम है. दे वर्शिप गरेलमाई समा द गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट. सो दे वर्शिप, इनके भगवान कौन है? गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट. एंड द आंसर ऑफ द फोर्थ वन, द नेम ऑफ दिस ट्राइब इज चेंचूस. द नेम इज चेंचूस. यू कैन सी from the above, the spelling is C-H-E-N-C-H-U-S. Now the fifth one. They are the second largest tribe in Meghalaya. So there are many other tribes in the Meghalaya. Meghalaya mein aur bhi tribes hai aur ye second largest tribe hai. They celebrate the Wangla festival. Aur ye kaun sa festival celebrate karte hain? Wangla festival. The name of the tribe is Garos. Garos. Spelling is G-A-R-O-S. Garos. Sixth one. They belong to an Adivasi tribe that is significant in the number in Gujarat, Rajasthan and Maharashtra. So this tribe is an Adivasi tribe and they belong to Gujarat, Rajasthan and Maharashtra. They enjoy performing the Ghumar dance. और ये Ghumar dance भी करते हैं. The name of the tribe is Bhils. You have already heard this name before, I think. It is Bhils. B-H-I-L-S. Bhils. Now the seventh one. There is the largest tribal population in Meghalaya. There is a matrilineal society. Women enjoy a very high status. They are proud of their language and culture and spare no effort to preserve them. So these are the largest tribal population. Means हमने अभी कहा था कि मेघालय की second largest tribe कौन सी थी? Yes, Garos. And the largest one is this one. I will name it after. There is a matrilineal society. So यहाँ पे women's को ज़्यादा power दी गई है इस society में. They are proud of their language. उन्हें अपनी language से बहुत ज़्यादा लगाव है. And their culture. और वो उसे बचाने की हमेशा पूरी कोशिश करते हैं. The name of this tribe is Khasis. Write down the spellings. K-H-A-S-I-S. Khasis. Now the last one. The greatest number live in Jharkhand and West Bengal. They are proud of their language and music and love to dance. So ये जो tribe है ये कहाँ से belong करती है? Jharkhand और West Bengal से mainly. और इन्हें अपनी language और music से बहुत प्यार है और they love to dance. उन्हें dance करने का बहुत शौक है. Name of this tribe is Santhals. The name of this tribe is Santhals. Write down the spelling S-A-N T-H-A-L-S. Now, there is a fact bite. It is a fact bite, means it is not related to the chapter, but it is an additional information for you. Now, for some news from outside India. So, अभी तक हमने जितने भी tribes पढ़े थे, सभी India से belong करते हैं. अब हम एक ऐसी tribe की बात करेंगे जो India से बाहर है. A tribe that lives in Amazon rainforest in Brazil along its border with Peru is perhaps one of the world's last uncontacted tribe. So we are talking about the American tribe Amazon forest जो Brazil में है, उसके और Peru के बीच में एक tribe रहती है जो अभी तक world की last uncontacted tribe है, मतलब अभी तक उस बाहरी दुनिया से कोई contact नहीं रखा है. Until very recently, हाल ही में, people were not even convinced for their existence. और लोगों को अभी तक ऐसा लगता है कि वो tribe exist ही नहीं करता. Means they are not even contact with people कि लोगों ने उन्हें देखा भी है कभी, ऐसा हुआ नहीं है. The tribe's survival is under threat. We go closer and closer to them. So उस ट्राइब की एग्जिस्टेंस खतरे में है क्योंकि लोग अब धीरे धीरे उनके करीब जाने लगे हैं. लोगर्स, पीपल हु कट डाउन ट्रीज आर एनक्रोचिंग ऑन द एरिया इनहेबिटेड बाय देम.
जो लोग पेड़ काटते हैं वो धीरे धीरे उनके एरिया में घुसते जा रहे हैं. Efforts are being made to ensure that these tribe is protected and do not come into contact with others. गवर्नमेंट और अदर एजेंसीज द्वारा कोशिश की जा रही है कि उनकी ट्राइब्स को, उनकी प्लेस को सिक्योर किया जा सके और लोग वहाँ तक ना पहुँचे. इवन अ वीक वायरस और अ कॉमन कोल्ड कुड हार्म देम नो एंड एंड वाइप देम आउट. अगर उस एरिया में अगर छोटी सी बीमारी, छोटा सा वायरस या कोई कॉमन कोल्ड जो आम जुकाम खांसी होती है वो भी पहुंच गया तो वो उस ट्राइब को ख़त्म कर देगा. बिकॉज दे आर नॉट एडवांस एंड दे डू नॉट हैव दैट मेडिकल फैसिलिटीज दैट वी हैव. सो नाउ वी रैप अप दिस चैप्टर. वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट क्लासेस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.